हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल टीआर बहादुरपुर। दोस्तों, आज जो फोटोकॉपी वाला पेपर होता है जिस पे हम फोटोकॉपी करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या अगर हमारे पास ट्रेसिंग पेपर ना हो, यानी कि बटर पेपर हमारे पास ना हो, तो फोटोकॉपी वाले पेपर पे हम प्रिंट करके उससे स्क्रीन को खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम उसी को देखने वाले हैं। फोटोकॉपी वाला पन्ना आप जानते होंगे, जो ग्रीन आता है या सेंचुरी या फिर माई चॉइस, मतलब इस तरीके से बहुत से कंपनियों का आता है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास माई चॉइस ही है, ठीक है, जिस पे हम फोटोकॉपी करके देते हैं जीरोक्स। तो इस पेपर पे अगर हम प्रिंट कर लें, अगर हमारे पास मतलब बटर पेपर नहीं है या ट्रेसिंग पेपर नहीं है, तो फिर इसको हम स्क्रीन से खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। अगर खुलेगा तो फिर अच्छा आएगा प्रिंट कि नहीं आएगा, और किस तरीके से खोलेंगे, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हमने पहले प्रिंट निकाल लिया है। ये ट्रेसिंग पेपर नहीं है हमारा, ये हमारा यही फ़ोटो कापी वाला पन्ना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कार्ड था और ये कवर, यानी ये लिफाफे की डिजाइन, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से खोलेंगे, क्या करना पड़ेगा, इसकी क्या प्रोसेस है, और अगर खुल जाता है तो सही खुलता है कि नहीं खुलता है, तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए हमें चाहिए सरसों का तेल, ठीक है, खाना पकाने वाला तेल जो भी हो। ये हमारे पास सरसों का तेल है। नीचे हम पहले एक पेपर रख लेंगे, इस पर हमारा कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, बाकी ये जिस पे हमने प्रिंट किया है इसको हम उल्टा करके यहाँ पे रख लेते हैं, और इस पर हम थोड़ा सा तेल गिराते हैं। इसी ढक्कन में ले लेते हैं थोड़ा सा तेल, आपने देखा होगा जब इस पेपर पे तेल लगता है तो ये अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाता है ट्रेसिंग पेपर के तरीके से, ठीक है, जितना आपको ज़रूरत है आप उतने पे लगा सकते हैं इस तेल को। आप इसको अच्छे से पूरे मैटर पे फैला दीजिएगा, ठीक है। जितना दूर में आपका लिखा हुआ है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये नीचे था लेकिन पूरा दिख रहा है आपको, क्योंकि तेल लगने से ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है अपने आप। ये आप चाहे जिस तरीके से लगा लें, अगर आपके पास रुई वगैरह है तो उसे भी लगा सकते हैं, सूती कपड़े से भी अच्छे से लगा सकते हैं, या फिर कूची वगैरह भी है जिसे पेंट वगैरह किया जाता है, उससे भी आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। मतलब आपका जितना में मैटर है, जितना दूर में मैटर है, उतना में ये पूरा आ जाना चाहिए। आप इसको अच्छे से लगा दीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट हमें नज़र आ रहा है, यानी ये ट्रेसिंग पेपर की तरह दिखने लगा। तो अब इसको हमको खोलना है, उससे पहले हम इसे सुखा लेंगे। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा मैटर है, ये कार्ड वाला, इस पर भी हम गिरा लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पूरा हम इसे बराबर कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा ट्रांसपेरेंट एकदम मतलब बटर पेपर की तरह हमें नज़र आ रहा है, जैसे ट्रेसिंग पेपर होता है बिल्कुल उसी तरीके से। देख लीजिए, पहले आर पार नहीं दिख रहा था, अब आर पार दिख रहा है। इधर का हिस्सा देख लीजिए, ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो ये ट्रेसिंग पेपर ही हो, बस इस पर तेल लगा हुआ है। तो अब इस तेल को हम पहले सुखा लेंगे, पंखे के ज़रिए फ़ैन चालू कर देंगे, ये सूख जाएगा। जब ये सूख जाता है फिर उसके बाद हम मैटर को अपने एक्सपोज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मैटर सही एक्सपोज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये तेल पूरा अच्छे से सूख चुका है, ठीक है, और अब बिल्कुल जैसे ट्रेसिंग पेपर में दोनों तरफ से दिखता है, देख लीजिए आप, उधर दिख रहा है, पहले ये नहीं दिख रहा था, ये वही चीज़ है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने चेंज कर दिया, इसको देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये तेल के धब्बे कुछ दिख रहे हैं। और अब मैं इसको एक्सपोज करने जा रहा हूँ, तो इसमें जो एक्स्ट्रा है, यानी जो इधर का हिस्सा है, हो सकता है यहाँ पर तेल न लगा हो और मैं लगाया भी नहीं हूँ, तो जितने की हमें ज़रूरत है सिर्फ हम इतना ही यूज़। ये देखिए हमने काट लिया, ठीक है,
और ये है हमारा फ्रेम, आप देख सकते हैं ये पूरा सूख चुका है। आप लोग पूछते हैं कि इसको कितना देर रखना है, तो देर नहीं रखना, आप खुद मतलब देखेंगे, देखने में ये लगेगा कि सूख गया। इसको हाथ से भी आप देख सकते हैं, और रोशनी के पास करके आप इसको इधर अच्छे से रगड़ दीजिएगा, ठीक है। ऐसे रगड़ेंगे तो देखिए, अगर नहीं छूट रहा है तो समझिए कि ये सूख गया है, और अगर छूट रहा है तो फिर इसका मतलब कि ये सही से नहीं सूखा है। तो ये हमारा अच्छे से सूख गया है, अब हम चलते हैं इसको एक्सपोज करने। जितना दिखाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएंगे, 5 या 10 सेकेंड। आ जा रहा ना मैसेज के लिए, ये देखिए हमारा आ चुका है दोस्तों, ठीक है। जैसा चाहिए, बिल्कुल जैसा ट्रेसिंग पेपर से आता है वैसा ही मीटर हमारा ये खुल चुका है एकदम आसानी के साथ। थोड़ा सा और हम इसको पानी डाल के, ये देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से खुल चुका है, जैसे कि ट्रेसिंग पेपर से हमारा मीटर खुलता है उसी तरीके से। आप देख सकते हैं उजाला में करके दिखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा, ये पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इसको ट्रेसिंग पेपर से खोला है या फोटोकॉपी वाले पेपर से। देख लीजिए बिल्कुल ही शानदार तरीके से खुला है, अब हम इसको आसानी के साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देख लीजिए दोस्तों, ये अच्छे तरीके से सूख गया है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा इसमें, क्योंकि उसमें दिखा नहीं था इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, और अभी मैं प्रिंट करके भी इसको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए सारा मैटर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, जैसे ट्रेसिंग पेपर से खुलता है बिल्कुल उसी तरीके से खुल चुका है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने ये दोबारा वो किया, देख लीजिए, क्योंकि उस वक्त मैं दिखाया था तो साफ नहीं नज़र आया था। ये देख लीजिए, रोशनी में करेंगे तो इसमें से रोशनी आर पार होगी, ये देख लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर समझिए कि आपका मीटर बहुत ही अच्छे तरीके से खुला है। ये देखने में ज़रा लग रहा है कि भद्दा हुआ है, लेकिन भद्दा नहीं हुआ। अभी हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, अभी छापने जा रहे हैं, ठीक है। محمد النبي انا 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 حبيبنا طبيبنا گیا سونا مغی سونا رہی مونا کری مونا آیا نونا مئی لونا غبی بنا تبی بنا گیا سونا مغی سونا رہی مونا کری مونا آیا نونا مئی نونا
बशीरो ना नजीरो ना सिराजो ना मुनीरो ना अमीरो ना अमीनो ना मुहम्मदुन नबीयो 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 ना तुमी से या नबी हमें शऊरे बंदगी मिला सलीके हयात भी तुमी से या नबी मिला तुमी से या नबी हमें शऊरे बंदगी मिला सलीके हयात भी तुमी से या नबी मिला सहाबिये नबी मिले हसन मिले अली मिले मिले शहीद करबला मुहम्मदुन नबीयो ना 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 तुम्हारा जो गुलाम है उसे किसी का डर नहीं ना उसको फिक्र कब्र है और हशर का खतर नहीं तुम्हारा जो गुलाम है उसे किसी का डर नहीं ना उसको फिक्र कब्र है और हशर का खतर नहीं घड़ी जब ऐसी आएगी हमारे सर पे छाएगी तुम्हारे फजल की रिदा मुहम्मदुन नबीयो ना 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 तेरा दयार हो नसीब अब तो सैयदुल बशर हमारी समत भी उठे इनायतों की एक नजर तेरा दयार वो नसीब अब तो सैयदुल बशर हमारी समत भी उठे इना